Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 11th of June 2019. तो 11 जून 2019 का न्यूज़ एनालिसिस देखेंगे. Before we start, these are the questions for you today. The first question is, which social media site has launched its first interactive game show Confetti in India? Confetti नाम का game show किस site ने start किया इंडिया में? Options are A. Instagram, B. Google, C. Twitter या D. Facebook. क्वेश्चन नंबर टू इज, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पेट्रोकेमिकल सेंटर इन इंडिया? इनमें से कौन सा पेट्रोकेमिकल सेंटर इंडिया में नहीं है? ऑप्शन सर ए कोयली, बी जामनगर, सी मैंगलोर या डी राउरकेला. क्वेश्चन नंबर थ्री इज, म्यांमार डज नॉट शेयर इट्स इंटरनेशनल बाउंड्री विद. म्यांमार इनमें से किसके साथ अपनी इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर नहीं करता है? ऑप्शन सर ए लाओस, बी थाईलैंड, सी वियतनाम या डी इंडिया. सो लेट्स मूव टू द न्यूज़ एनालिसिस पार्ट फ्रेंड्स. आज ऐसे ज़्यादा न्यूज़ आइटम्स नहीं थे, एडिटोरियल बहुत ज़्यादा बेहतरीन थे क्योंकि ट्यूसडे का डे है. आप सबको पता है ट्यूसडे को बहुत ज़्यादा अच्छे आर्टिकल्स आते हैं और सारे इंपॉर्टेंट आते हैं, तो वो अपन डिस्कस करेंगे. फर्स्ट जस्ट एक ओवरव्यू आपको देता हूँ न्यूज़ का. जो कठुआ गैंग रेप केस था उसमें 3 लोगों को लाइफ सेंटेंस दिया गया है, बाकी 2 लोगों को 5 साल की सज़ा दी गई. सो फाइनली द वर्डिक्ट हैज़ बीन गिवन वहाँ पे. एंड लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज आइटम. गिरीश कर्नाड पासेस अवे एट द एज ऑफ 81. गिरीश कर्नाड वन ऑफ द राइटर्स, प्ले राइटर, एक्टर, पब्लिक इंटेलेक्चुअल, ही हैज़ पास्ड अवे एट द एज ऑफ 81. ही वॉज द विनर ऑफ ज्ञानपीठ अवार्ड एंड पद्म अवार्ड एज वेल. ओके, तो ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया था इनको. ही राइट्स इन कन्नड़ा लिटरेचर. याद रखिएगा कि कन्नड़ा के बहुत बड़े राइटर थे ये, कन्नड़ा लैंग्वेज में लिखते भी थे. एंड हिज वन ऑफ द मोस्ट फेमस रोल्स जो मुझे बहुत पसंद है, जो मेरा फेवरेट है पर्सनल, वो है जो मालगुडी डेज में स्वामी के फादर का रोल इन्होंने किया था. ओके, तो इफ़ यू रिमेंबर मालगुडी डेज, अगर आपने देखा है मालगुडी डेज को, तो उसमें एक स्वामी नाम का कैरेक्टर है. बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट ब्रिलियंट शो है वो मालगुडी डेज, काफ़ी अच्छा है. आज भी अवेलेबल है, अगर आप देखना चाहें तो यू कैन सी दैट. ओके, मालगुडी डेज किसने लिखा है, दैट विल बी द क्वेश्चन फॉर यू. किसने लिखा है मालगुडी डेज वो आप मुझे बताएंगे. ओके, सो दैट इज़ द क्वेश्चन फॉर यू, प्लीज़ मेक श्योर यू टेल मी. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज़ आइटम. आगे की तरफ मूव करते हैं. यहाँ पे DU के एडमिशन्स की बात चल रही है, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अपन उसको नहीं देखेंगे. ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज़ आइटम. जेटली मूव्स आउट ऑफ द ऑफिशियल होम, यहाँ पे भी हम बात नहीं करेंगे. सरिस्का टाइगर रिजर्व अगेन वॉज इन न्यूज. सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, बस ये याद रखिएगा, इट इज़ इन राजस्थान. इसके साथ रणथंबोर नेशनल पार्क कहाँ पर है वो भी याद रखिएगा, राजस्थान में है. ओके, सो दीज आर द टू थिंग्स विच यू शुड रिमेंबर एटलीस्ट. भरतपुर बर्ड सेंचुरी भी है, वो भी राजस्थान में है. केवला देव भी राजस्थान में है, तो ये कुछ और नाम है, केवला देव भी याद रखिएगा, राजस्थान में ही है. सो मेक श्योर यू रिमेंबर दिस. ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज़ आइटम. यहाँ पे आपको न्यूज़ बिल्कुल निश्चिंत होकर जाइएगा, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो मैं बता रहा हूँ सिर्फ वही पढ़िए. बार बार ये दिमाग से हटा दीजिएगा कुछ आपने से ही पढ़ना है. सबरीमाला टू बी ओपनड फॉर अ डे. अब सबरीमाला के बारे में कुछ चीज़ें बता देता हूँ. सबरीमाला टेम्पल में पहले याद रखिएगा कि 10 to 50 की महिलाओं का अलाउड नहीं था. क्यों अलाउड नहीं था? क्योंकि मेंस्ट्रुएटिंग एज में माना जाता है कि वो अपवित्र कर देंगी. मेंस्ट्रुएटिंग एज को वहाँ पे नहीं अलाउ किया जाता था, बट फाइनली द डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट केम एंड उन्होंने 10 to 50 की महिलाओं को भी अलाउ कर दिया. दे अलाउड द वुमेन ऑफ 10 to 50 एज ग्रुप. ओके, एंड यहाँ पे जिस डीटी की पूजा होती है, लॉर्ड अयप्पा है वो, लॉर्ड अयप्पा की पूजा की जाती है सबरीमाला में. यहाँ पे याद रखिएगा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट कि पंपा रिवर है एंड पेरियार टाइगर रिजर्व है. पेरियार टाइगर रिजर्व एंड पंपा रिवर के आसपास ही है ये, तो ये दोनों क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इट इज़ लोकेटेड नियर द पंपा रिवर, या पूछ सकते हैं कि कौन से टाइगर रिजर्व आती, कौन सी नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती है, तो पेरियार टाइगर रिजर्व आती है. ओके, सो दैट इज दीज आर द टू फैक्ट्स विच यू शुड रिमेंबर. इन दोनों फैक्ट्स को भी याद रखेगा. ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज आइटम. आगे की तरफ देखते हैं और क्या न्यूज आइटम्स हैं. ये पूरा पेज गिरीश कर्नाड के बारे में, उनके वर्क्स के बारे में है. नाउ दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम है. रयत सो सीड्स ऑफ डिफाइंस. नाउ ये चीज़ हुई है महाराष्ट्र में. अगर आपसे कोई पूछे कि रिसेंटली अ एक्ट ऑफ सिविल डिसोबीडियंस हैज़ बीन डन इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स, आंसर विल बी महाराष्ट्र. अब महाराष्ट्र में अकोला डिस्ट्रिक्ट है, अकोला डिस्ट्रिक्ट के अकोट नाम के गांव में, अकोला डिस्ट्रिक्ट के अकोट नाम के गांव में महाराष्ट्र में एक एक्ट ऑफ सिविल डिसोबीडियंस हुआ है. अब वो क्यों हुआ है? टू प्रोटेस्ट द सेंटर्स इन डिसाइसिवनेस इन अप्रूविंग द
नेक्स्ट जनरेशन जेनेटिकली मॉडिफाइड जीएम कॉटन। अब सेंटर जो है वो नेक्स्ट जनरेशन जीएम कॉटन को और बहुत सारे जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं उनके ऊपर काफ़ी इनडिसाइसिव रह गई है। चाहे आप जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी की बात कर लीजिए, चाहे आप गवर्नमेंट की बात कर लीजिए, हमेशा एक दोनों के बीच में एक कंसेंसस नहीं बन पाता है एंड दे आर नॉट टेकिंग प्रॉपर डिसीजंस रिगार्डिंग दिस जीएम क्रॉप्स। तो उसी के डिफेंस में मतलब उसी से शुभ होकर ये जो फार्मर्स हैं उन्होंने एक एक्ट ऑफ सिविल डिसोबीडियंस किया है। और उस एक्ट ऑफ सिविल डिसोबीडियंस में जैसे महात्मा गांधी ने क्या किया था, महात्मा गांधी ने सॉल्ट बनाया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के टाइम पे, उन्होंने सॉल्ट बनाया था सॉल्ट लॉ के अपोज में। मतलब आप उन्होंने ब्रिटिशर्स ने बोला था कि आप सॉल्ट नहीं बना सकते हो, तो इन डिफाइंस टू दैट सॉल्ट लॉ महात्मा गांधी मेड द सॉल्ट। सो सेम चीज़ यहाँ पे हुई है, सिविल डिसोबीडियंस के एक्ट के रूप में इन्होंने इलीगल हर्बिसाइड टॉलरेंट जो बीटी कॉटन है और जो बीटी ब्रिंजल है, बीटी ब्रिंजल को आपको पता है कि अलाउड नहीं किया गया, अभी भी बीटी ब्रिंजल को फाइनल ग्रीन सिग्नल नहीं दिया गया है, तो भी उन दोनों को सो किया गया एंड दैट शोज द एक्ट ऑफ सिविल डिसोबीडियंस। इसको याद रखिएगा, दिस हैज़ हैपेंड इन महाराष्ट्र। अगर आपसे कोई पूछता है कि द एक्ट ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट रिसेंटली कहाँ हुई है, तो हुई है वो महाराष्ट्र में अकोला डिस्ट्रिक्ट के अकोट नाम के गाँव में। क्यों हुई है? टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द सेंटर्स इनडिसाइसिवनेस रिगार्डिंग द जेनेटिकली मॉडिफाइड जीएम कॉटन, नेक्स्ट जनरेशन जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन। ओके, तो याद रखिएगा, इनके जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन के नेक्स्ट जनरेशन के मॉडल को अप्रूव नहीं कर पा रहे हैं गवर्नमेंट वाले, इसलिए उन्होंने ये एक्ट ऑफ सिविल डिसोबीडियंस किया। तो ये याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स है। नाउ लेट्स मूव टू द एडिटोरियल सेक्शन। द फर्स्ट एडिटोरियल जो हम डिस्कस करेंगे है फॉरेन पॉलिसी चैलेंजेस 5 years लेटर। नाउ दिस आर्टिकल इज ऑन द फॉरेन पॉलिसी चैलेंजेस ऑफ इंडिया, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी चैलेंजेस के बारे में ये आर्टिकल है। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिलेंगी आपको। द चैलेंजेस क्या क्या है वो अपन देख लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट है अनप्रिडिक्टेबिलिटी इन US पॉलिसी प्रोनाउंसमेंट्स आफ्टर ट्रंप केम टू पावर। सबसे पहली चीज़ जो ट्रेवल है वो है डोनाल्ड ट्रंप की, उनका समझ नहीं आता कि अब क्या बोलते हैं ना। सो देर हैज़ बीन अनप्रिडिक्टेबिलिटी इन US पॉलिसी। सेकेंड थिंग इज दैट द ट्रेड वॉर बिटवीन US एंड चाइना विच इज बिकमिंग अ टेक्नोलॉजी वॉर, क्योंकि हुआवी का अगर आपने देखा होगा, हुआवी चाइनीज कंपनी, उसको बंद कर दिया गया था USA और कनाडा में, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हो रही हैं अभी। एक तो ट्रेड वॉर से स्टार्ट हुआ, अब वो टेक्नोलॉजी वॉर में कन्वर्ट हो गया है। तो ये भी एक चैलेंज है हमारे फॉरेन पॉलिसी के लिए, क्योंकि हमको बैलेंस करना है USA चाइना दोनों को। थर्ड, इरोजन ऑफ US रशिया आर्म्स कंट्रोल एग्रीमेंट। US और रशिया के बीच में आप सबको पता है कि जो बहुत सारी ट्रीटीज़ थी आर्म्स कंट्रोल की, वो अभी जाती जा रही है। जैसे न्यू स्टार्ट ट्रीटी है, दूसरी ट्रीटी हमने बात की थी कि इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी INFT ट्रीटी जो थी, तो बहुत सारी ट्रीटीज़ हैं जो US और रशिया के बीच में डिटोरिएट होती जा रही हैं। तो हो सकता है एक नई ट्रीटी आए जो कि न्यूक्लियर स्पेस और साइबर डोमेन्स को कवर करे, हमको कुछ वो भी रिलेटेड है हमारे चैलेंजेस। Then fourth is US withdrawal from the Iran nuclear deal and growing tensions between Saudi Arabia and Iran. तो USA ने जो withdraw कर लिया है ईरान न्यूक्लियर डील से, उसके बाद USA सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में tensions बढ़ रहे हैं, तो ये भी हमारी फॉरेन पॉलिसी के लिए एक चैलेंज है। देन फिफ्थ इज़ द राइज ऑफ चाइना। चाइना का जो राइज है, जो उसका स्टेटस बढ़ता जा रहा है बिकॉज ऑफ द BRI मतलब बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, प्लस जो हमारे नेबर्स हैं उनके ऊपर भी उसका इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा है, तो वो भी हमारे लिए एक चैलेंज है। Now author also says that this the second term of Prime Minister Narendra Modi, उन्होंने दो चीज़ें क्लियर कर दी हैं। फर्स्ट थिंग इज़ दैट देर विल बी अ नेबरहुड फर्स्ट अप्रोच रहेगी। सेकेंड थिंग जो है वो है कि बिम्स्टेक विल बी मोर इम्पॉर्टेंट दैन सार्क। ओके, तो उन्होंने एज पर द गवर्नमेंट जैसा दिख रहा है वो बिम्स्टेक को ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं सार्क के कंपेरिजन में। ऑथर ने यहाँ पे सजेस्ट किया है कि हमको अपने नेबर्स को मैनेज करते आना चाहिए, स्पेशली हमको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि पाकिस्तान है इसलिए हम सार्क से कोई उम्मीद नहीं रख सकते, पाकिस्तान को भी हमको मैनेज करना ज़रूरी है। एटलीस्ट हमको क्राइसिस मैनेजमेंट तो करना ही पड़ेगा, ऑनगोइंग डायलॉग तो होने ही चाहिए बिटवीन द टू कंट्रीज। हम पूरी तरीके से इस तरह से आइसोलेट नहीं हो सकते हैं, पूरी तरीके से हम पाकिस्तान को कट भी नहीं कर सकते हैं ना, क्योंकि हमको अपने नेबर्स के थ्रू तो बात करनी ही पड़ेगी चाहे कुछ भी हो जाए। सो दैट इज़ द थिंग। नाउ सम इशूज रिगार्डिंग USA हैज़ बीन हाईलाइटेड बाय द ऑथर। ऑथर ने कुछ USA के इशूज को भी हाईलाइट किया है। पहला है US सैंक्शंस ऑन ईरान एंड दस लिमिटिंग ईरान इंडियाज ऑप्शंस टू इम्पोर्ट ऑयल फ्रॉम ईरान। तो पहला जो चैलेंज है हमारा USA के साथ वो ये है कि USA ने सैंक्शंस तो लगा दिए ईरान के साथ, लेकिन उन्होंने हमारा बिल्कुल ध्यान नहीं दिया कि हम कहाँ से ऑयल इम्पोर्ट करेंगे, क्योंकि ईरान से हम 10% अपना ऑयल लेते हैं लगभग, तो दैट इज़ अ ह्यूज अमाउंट ऑफ ऑयल ऑल्सो।
सेकेंड थिंग इज दैट यूएस पुटिंग इंडिया आउट ऑफ द जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस. यूएसए ने हमको जीएसपी से बाहर कर दिया, तो वो भी हमारे लिए एक चैलेंज है और वो एक यूएसए के साथ काफ़ी ज़्यादा एक बड़ा स्पैट बन रहा है. थर्ड है काटसा, यानी कि जो काउंटरिंग अमेरिकाज एडवाइजरी सैंक्शन एक्ट यूएसए का है, उसके अकॉर्डिंग वो S-400 मिसाइल डिफेंस डील भी हमको नहीं करने दे रहे रशिया के साथ. ओके तो यूएसए बार बार बोल रहा है कि अगर आप S-400 डील करते हो रशिया के साथ, जो कि एयर एंड मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, तो वहाँ पे आपके ऊपर भी हम सैंक्शंस लगा सकते हैं. तो ये भी एक इशू है. हुआवी विच इज़ करेंटली द प्राइम टारगेट ऑफ यूएस चाइना टेक्नोलॉजी वॉर. तो आप जैसा कि मैंने बताया कि यूएस और चाइना के बीच टेक्नोलॉजी वॉर भी चल रहा है, जिसका हुआवी जिसके ऊपर जो कि चाइनीज कंपनी उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा है. एंड हुआवी को इंडिया ने अलाउ कर दिया है 5G ट्रायल्स इन इंडिया के लिए, तो ये भी यूएसए हो सकता है इससे ज़्यादा खुश ना रहे. ऑथर सेज दैट ऑल दीज इश्यूज नीड टू बी एड्रेस्ड, बट इंडिया शुड बिगिन बाय फोकसिंग ऑन नेबरहुड फर्स्ट. तो हमको ये सारे इश्यूज दूर करने हैं, यूएसए के साथ भी इशूज दूर करने हैं, लेकिन हमको स्टार्ट करना पड़ेगा नेबरहुड फर्स्ट से, और वहाँ पे भी हम पाकिस्तान को इग्नोर नहीं कर सकते. तो दिस वॉज अ वेरी गुड आर्टिकल, काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली होंगी आपको. स्ट्राइकिंग अ बैलेंस अगेन, दिस आर्टिकल इज ऑन RBI अटेम्प्टिंग टू सॉल्व द NPA मेस, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की मेस को जो सॉल्व करना चाहता है RBI, उसके ऊपर है. अब इसका थोड़ा बैकग्राउंड दे देता हूँ. अभी एक सर्कुलर आया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में, जिसमें उन्होंने कहा था कि 6 महीने तक का टाइम रहेगा रेजोल्यूशन का, उसके बाद सीधे इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी स्टार्ट कर दी जाएगी. लेकिन अगर आपको याद हो तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वॉइड घोषित कर दिया था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वॉइड घोषित कर दिया था, ये आपको याद रहना चाहिए. उसके बाद अभी RBI ने दोबारा एक नया सर्कुलर निकाला है, जिसमें उन्होंने ये जो चीज़ें थी अपने कंसर्न्स थे उनको दूर किया है, जो सुप्रीम कोर्ट के कंसर्न्स थे उनको भी दूर किया है, और इसमें काफ़ी ज़्यादा बैलेंस बनाने की कोशिश की है RBI ने. ओके RBI ट्राइड टू मेंटेन अ बैलेंस इन दिस न्यू सर्कुलर. ओके तो अपन अब बात कर लेते हैं कि इस नए सर्कुलर में क्या डिफरेंस है पुराने सर्कुलर से. ओके तो काफ़ी सीखने को मिल जाएगा आपको, पूरा सर्कुलर बता देता हूँ. फर्स्ट थिंग इज दैट बैंक्स विल नाउ हैव अ 30 days रिव्यू पीरियड. जैसा कि RBI ने कहा था, RBI ने नए सर्कुलर में बोला कि 30 दिन का 30 days रिव्यू पीरियड विल बी देयर, 30 days का रिव्यू पीरियड भी रहेगा इस बार. ओके उस रिव्यू पीरियड में आप रेजोल्यूशन स्ट्रैटेजी डिसाइड कर सकते हो, आप डिसाइड कर सकते हो कि किस तरीके से रिजॉल्व करना पड़ेगा, है ना. दूसरी चीज, एक और चीज बताई गई है, नाउ 180 दिनों के बाद द बैंक्स विल हैव द फ्रीडम टू डिसाइड वेदर और नॉट टू ड्रैग अ डिफॉल्टर टू द इंसॉल्वेंसी कोर्ट. ओके तो 180 दिनों का टाइम पीरियड तो अभी भी है, पहले भी 180 दिन का था, अभी भी 180 दिन का था, बट पहले 180 दिन बाद सीधे आपका बैंकरप्सी एंड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन स्टार्ट हो जाता था. अभी क्या है कि 180 दिनों के बाद भी बैंक्स विल डिसाइड वेदर टू ड्रैग दिस फर्म इनटू इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी और नॉट. पहले बैंक्स के बाद के पास ऐसी कोई फ्रीडम नहीं थी कि वो डिसाइड करेंगे, 180 दिनों के बाद ऑटोमेटिकली बैंकरप्सी इंसॉल्वेंसी शुरू हो जाता, बट नाउ आफ्टर 180 days डिफॉल्ट पीरियड, 180 days के बाद भी वो ये डिसाइड कर सकते हैं वेदर टू ड्रैग द डिफॉल्टर इनटू इंसॉल्वेंसी कोर्ट और नॉट. ओके एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, इस बार जो है नए रेजोल्यूशन में बोला गया है कि बैंक्स जो है जिन्होंने लेंड किया है, जैसे कि मान लो एक्स पर्सन है, उसको SBI ने लोन दिया है, ICICI ने लोन दिया है, बैंक ऑफ इंडिया ने लोन दिया है, तो ये तीनों मिलके एक इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट करेंगे. इन्होंने, ये क्रेडिटर है, इन क्रेडिटर्स ने इसको सेम आदमी को लोन दिया था, तो ये तीनों मिलके इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट करेंगे. तो यही चीज़ है कि डिफरेंस कि इस बार इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट है, और मतलब कि सारे बैंक्स एक वॉइस में बात करेंगे ना, दे विल स्पीक इन वन वॉइस, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है. तो वही है कि काफ़ी नए चीज़ें हैं, चैलेंजेस हैं, चेंजेस हैं, और RBI इज ट्राइंग टू मेंटेन अ बैलेंस, ताकि CBI सुप्रीम कोर्ट भी खुश रहे, बाकी के क्रेडिटर्स भी खुश रहें, डिफॉल्टर्स को भी थोड़ा राहत मिले. ये सारी चीज़ें RBI ने करने की कोशिश की है. अब ये देखते हैं कि किस तरीके से ये लूप होल को कवर करेगा. दिस आर्टिकल इज ऑन द फ्रेंच ओपन. ये फ्रेंच ओपन के ऊपर आर्टिकल है, तो आप सबको पता है कि राफेल नडाल हैज वॉन द मेन्स सिंगल, एंड एशले बार्टी हैज वॉन द वुमेन्स टाइटल. ओके और ऑस्ट्रेलिया की एशले बार्टी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 42 साल बाद लगभग ये आया है. ओके सो दैट इज अनदर थिंग. द स्क्रिप्ट राइटर ऑफ कल्चर, नाउ दिस इज गिरीश कर्नाड. गिरीश कर्नाड के ऊपर ये आर्टिकल है. कर्नाड पास अवे एट द एज ऑफ 81 ईयर्स.
ही पास्ड अवे एट द एज ऑफ 81 ईयर्स, याद रखने का. एंड ही वॉज अ कन्नड़ा राइटर, कन्नड़ा राइटर कन्नड़ लैंग्वेज में लिखते थे. दो ही हैज़ ग्रेजुएटेड एंड डिड हिज पोस्ट ग्रेजुएशन इन ऑल इन इंग्लिश, बट ही राइट्स इन कन्नड़ा लैंग्वेज, काफ़ी इंपॉर्टेंट है. हिज थीम्स इंक्लूडेड माइथोलॉजी, हिस्ट्री, और एक इन्होंने इसके ऊपर भी लिखा था, विजयनगर एम्पायर के ऊपर भी लिखा था. ओके, विजयनगर एम्पायर के ऊपर भी एक आर्टिकल इन्होंने लिखा था, एक पूरा प्ले लिखा था. एंड बाद के जो इनके प्लेज हैं वो कंटेम्प्रेरी इशूज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा प्ले हैं, काफ़ी ज़्यादा प्लेज लिखे हैं. ऑल हिज प्लेज हैव कंसर्न्स अबाउट पावर इम्बैलेंसेस, उनके हर प्ले में पावर इम्बैलेंस के ऊपर काफ़ी कंसर्न रहता था. एंड बिटवीन द सेंट्रल एंड द मार्जिनल, द रिच एंड द पुअर, मैन एंड वुमेन, किंग एंड प्रीस्ट, मैन एंड गॉड, इन सब में जो पावर इम्बैलेंस है उसके ऊपर ये काफ़ी ज़्यादा लिखते थे. हाउ कैन पावर बी हैंडल्ड विदाउट गोइंग टू एन इंडिविजुअल्स हेड, आपको पावर मिलती है तो सबसे पहले वो आपके सर पर चढ़ जाती है, तो किस तरीके से आप पावर को हैंडल कर सकते हैं विदाउट गेटिंग इन टू योर हेड, विदाउट दैट गेटिंग इन टू एन हेड. हाउ इज़ अ बेटर वर्ल्ड पॉसिबल, हाउ टू बी गुड इन अ वर्ल्ड फुल ऑफ डिसइल्यूजनमेंट एंड डिस्पेयर, अ वर्ल्ड विदाउट वेयर नथिंग एज इट सीम्स, नथिंग इज एड एज इट सीम्स, दीज आर द सेंट्रल कंसर्न्स ऑफ कर्नाड्स वर्क. He also played the role of a strict and distant father of Swami. आप सबको पता है, ये मैंने आपको ऊपर ही बताया था कि this is one of my most favorite character. And ये आर के नारायण की मालगुडी डेज का बहुत important show है. स्वामी, especially स्वामी बहुत ज़्यादा important है, famous भी है, आप ज़रूर देखिएगा. If you have time, if you have that luxury of internet and all, then you should watch this also. Okay. So very avid writer, intellectual, सब चीज़ें थी इनके अंदर, हर गुण था, that is the thing. Why language matters? Now this article is on the importance of language. क्यों language important है? आप सबको पता है कि recently 3-language formula आया था जिसका काफ़ी protest किया गया, especially in Tamil Nadu. उसके बाद center ने roll back भी कर लिया वो 3-language formula में, जो हिंदी वाला portion था, हिंदी जो exact उन्होंने नाम दे दिया था, वो चीज़ उन्होंने roll back कर ली है. ओके, तो अब हम बात करेंगे यहाँ पे 3-language formula की, नहीं बात करेंगे, हम यहाँ बात करेंगे कि लैंग्वेज इंपॉर्टेंट क्यों होती है, वॉट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज. फर्स्ट इज दैट इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच वी इंटरैक्ट विद द आउटसाइड वर्ल्ड. लैंग्वेज इज द इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच वी इंटरैक्ट विद आउटसाइड वर्ल्ड. ये सारे अपने आप में एक मेन्स क्वेश्चन है, आपको याद होना चाहिए. ये सारे जितने भी आर्टिकल्स मैं डिस्कस कर रहा हूँ आज, वो सारे अपने आप में एक मेन्स का क्वेश्चन है. सो फर्स्ट थिंग इज दैट इट इज एन इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच वी इंटरैक्ट विद द आउटसाइड वर्ल्ड. Second is that language helps in recognition of a standard of distinction between correct and incorrect, which is morally right and wrong. ये सारी चीज़ें जो differentiation है ये language के कारण ही हमको आता है. Third thing is that language helps in the development of communitarian feeling, the feeling of cooperation between the members of the community. जब आपने देखा होगा कि आप कहीं बाहर जाओ और आपको हिंदी बोलने वाला व्यक्ति मिल जाए, या आप कहीं बाहर जाओ, अगर आप साउथ इंडिया से हो, तमिलनाडु से हो, और आप बाहर जाओ आपको कोई तमिल बोलने वाला व्यक्ति मिल जाए, देन यू फील मोर लाइक होम. आप उसके साथ ज़्यादा कोऑपरेट कर पाओगे, ज़्यादा अच्छे से बात कर पाओगे, है ना. तो ये इंपॉर्टेंस होता है लैंग्वेज का, कि कम्युनिटेरियन फीलिंग आती है, कोऑपरेशन की फीलिंग आती है, जो हारमोनी एंड ब्रदरहुड की फीलिंग आती है. द लैंग्वेज मेक्स अस व्हाट वी आर, स्पेसिफिक लैंग्वेज मेक्स अस द स्पेसिफिक क्रिएचर्स दैट वी आर. तो हम क्या हैं ये चीज़ हमको हमारी लैंग्वेज बताती है. अवर ओन लैंग्वेज मैटर्स टू अस बिकॉज इट कंस्टिट्यूट्स अस एंड अवर वर्ल्ड. ये हमारा पूरा जहान था, हमारी लैंग्वेज ही है ना. अगर हम अपनी भाषा को ही भूल जाएंगे तो हम इंटरेक्ट कैसे करेंगे, हम बात कैसे करेंगे, हम समाज में लोगों के सामने कैसे आएंगे. एंड वी ऑल फील अ स्पेशल बॉन्ड विद ऑल दोज हु स्पीक द सेम लैंग्वेज. ये बिल्कुल ट्रू है, ये इंपॉर्टेंस होता है लैंग्वेज का. और किसी भी दूसरी लैंग्वेज को किसी के ऊपर थोपना ये बिल्कुल गलत चीज़ है, चाहे आप किसी भी कंट्री में रह रहे हों. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द लॉ एंड द फ्यूचर. नाउ दिस इज ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कि ये आर्टिकल लिखा गया कि वाई वी नीड लॉज टू रेगुलेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. अब यहाँ पे बेसिकली मैं आपको ओवरऑल जिस्ट बता देता हूँ. ओवरऑल जिस्ट इस आर्टिकल का ये है कि यूएसए का एग्जाम्पल केस स्टडी के रूप में लिया गया. जो आर्टिकल का लिखने वाले हैं जीएस वाजपेयी एंड मोहसिना इरशाद. नाउ दे हैव रिटन दिस आर्टिकल इन द बैकड्रॉप ऑफ यूएसए एंड अदर यूरोपियन कंट्रीज, जहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस सामने आए हैं. बहुत सारे क्वेश्चंस कैसे सामने आए हैं, जैसे कि सपोज एक एआई कार है, ड्राइवरलेस कार है, और उसका एक्सीडेंट हो जाए, उससे कोई एक्सीडेंट हो जाए, तो आप किसको रिस्पॉन्सिबल बोलेंगे. ड्राइवरलेस कार है, एआई की ड्राइवरलेस कार है, और उससे कोई एक्सीडेंट हो जाए तो आप किसको रिस्पॉन्सिबल ठहराओगे, आप सज़ा किसको दोगे. तो ऐसे बहुत सारी चीज़ों के क्वेश्चंस हैं. तो आपको एक मैंने एग्जांपल दिया कि
एआई आने से क्या हो सकता है, क्या क्या चीज़ें हो सकती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने से क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। उसका एग्जांपल है, एक रोबोट सपोज कोई सर्जरी परफॉर्म कर रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डॉक्टर है, रोबोट है और वो सर्जरी परफॉर्म कर रहा है, उस सर्जरी के थ्रू मान लो उस पेशेंट की डेथ हो जाए तो हु विल बी अकाउंटेबल फॉर दैट। ये सारे क्वेश्चन हैं जो कि यूएसए में चल रहे हैं, लेकिन इंडिया अभी उस स्टेज पर आया नहीं कि हमारे यहाँ ऐसे क्वेश्चन आए। तो वही चीज़ें कि इंडिया को भी सोचने की ज़रूरत है, एआई के लॉज बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हमने लॉज नहीं बनाए, रेगुलेट नहीं किया, तो कल को आंसरेबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी किसकी होगी ये हम नहीं बता पाएंगे। देयरफॉर व्हाट वी नीड इज दैट प्रॉपर लॉज टू रेगुलेट दिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो वही पूरा यूएसए का एग्जांपल दिया है, सेल्फ ड्रिवन कार का एग्जांपल दिया है, तो ये सारी चीज बताई है। व्हाट नीड्स टू बी डन इन केस ऑफ इंडिया, फर्स्ट थिंग इज दैट वी नीड अ लीगल डेफिनेशन ऑफ एआई। सबसे पहला काम तो हमको ये करना है कि एआई की एक लीगल डेफिनेशन हमको हमारे पास होनी चाहिए, ओके? उसके बाद ही हम पहले हमको ग्राउंड इस्टेब्लिश करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम ग्राउंड रूल्स इस्टेब्लिश कर सकते हैं ना। पहले हमको ग्राउंड इस्टेब्लिश करना पड़ता है, फिर ना ग्राउंड रूल्स आते हैं। लेकिन वही चीज़ है कि पहले हमको एआई समझना पड़ेगा। सेकेंड थिंग इज दैट AI is considered to be inanimate, a strict liability scheme that holds the producer or manufacturer of the product liable for harm, regardless of the fault, might be an approach to consider. एक approach author ने suggest किया कि हम जो producer है या जो manufacturer है उस AI का, उस proper चीज़ का, उसको हम accountable ठहरा सकते हैं, this can be a good start. तो ये author ने यहाँ से start किया है, एक hint दिया है, but overall just जो उनका वो है कि जो questions USA और इन जगहों पर आ चुके हैं वो हमको भी सोचने चाहिए, और किस तरीके से हमको AI को regulate करना है ये सारी चीज़ें हमको देखनी पड़ेंगी। यहाँ पे बेसिकली सिंगल फाइल में एक चीज़ बताई गई थी, तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि यहाँ पे मेरिट्स बताए गए थे फ्री राइड के, जो दिल्ली गवर्नमेंट का जो ऑर्डर था अभी रिसेंटली कि दिल्ली मेट्रो फ्री फॉर वुमेन हो जाएंगी पब्लिक ट्रांसपोर्ट, उससे दो चीज़ें बहुत फ़ायदा हुई है। इट इनकरेजेस द यूज़ ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ इनकरेज करता है। दूसरा चीज़ ये कि जेंडर इंक्लूसिव है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ इंक्रीज होता है, जेंडर इंक्लूसिव है। जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ इंक्रीज होगा तो कहीं ना कहीं एमिशन रेट्स भी घटेंगे, मतलब जो कार्बन एमिशन है वो डिक्रीज होंगे, तो क्लाइमेट फ्रेंडली भी है आपका, इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी है, और सिक्योरिटी पर्पज़ से भी अच्छा है, क्योंकि सारी वुमेन जब लगभग एक साथ ही ट्रेवल करेंगे पब्लिक ट्रांसपोर्ट से तो सिक्योरिटी भी होगी। तो चार चीज़ें मैंने आपको एडवांटेजेस बता दिए, एक तो सिक्योरिटी, दूसरा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ बढ़ेगा, थर्ड जेंडर इंक्लूसिव है, और अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ बढ़ेगा तो बिल्कुल कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट फ्रेंडली होगा, क्लाइमेट को इफेक्ट नहीं करेगा। सो दैट इज़ द थिंग, काफ़ी इंपॉर्टेंट इसके एडवांटेजेस थे, आई होप यू गॉट क्लैरिटी ऑन दैट ऑल्सो। मोदी टू मीट जी जिनपिंग एंड पुतिन एट एससीओ समिट कहाँ होने वाला है, याद रखिएगा बिश्केक में होने वाला है, बिश्केक, ओके, किर्गिज रिपब्लिक ऑफ बिश्केक, ये इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा। और यहाँ पे मीटिंग होगी जी जिनपिंग के साथ, पुतिन के साथ, क्योंकि रशिया चाइना दोनों मेंबर्स हैं। सारे मेंबर्स एक बार मुझे ज़रूर बताइएगा एससीओ के। और एक और चीज़ बता दूँ, एससीओ का एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है रैट्स, तो ये क्या है, रीजनल एंटी टेररिज्म, ओके, स्ट्रक्चर, रीजनल एंटी टेररिज्म स्ट्रक्चर है, और ये रैट्स जो है वो एससीओ के अंतर्गत ही है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, वो ताशकंद में है। ये देखो रीजनल एंटी टेरर स्ट्रक्चर रैट्स, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो ताशकंद में है, ओके, ताशकंद में इसका हेडक्वार्टर है, याद रखिएगा, ये भी याद रखना है आपको, है ना। ये टेररिज्म से लड़ता है, काउंटरिंग टेररिज्म, एससीओ के अंदर एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बना है जिसको हम रैट्स बोलते हैं, वो टेररिज्म से लड़ता है, इसका हेडक्वार्टर ताशकंद में है। कनाडा विल बैन सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स फ्रॉम 2021 से कनाडा सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स को बंद कर देगा, ओके, याद रखना है। नाउ चाइना इज़ कंसर्न्ड अबाउट ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म। ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म क्या होता है मैं बस ये बता देता हूँ, जैसे दो कंट्रीज ट्रेड करें, सपोज चाइना एंड यूएसए आर डूइंग द ट्रेड, तो अब यूएसए ने क्या किया, जैसे ड्यूटीज़ बढ़ा दी, ओके, दूसरी चीज़ क्या किया कि जो चाइनीज़ प्रोडक्ट हैं उनको महंगे कर दिए, एक्सपेंसिव कर दिए उन्होंने यूएसए में, तो अब बेसिकली क्या करें, एक तरीके से यूएसए क्या कर रहा है, अपनी इकोनॉमी को क्लोज करता जा रहा है फॉर चाइना। By doing all these things, what they are doing is actually they are closing their economy for the Chinese. तो एक तरीके से जो ये USA के steps हैं, ये हैं protectionism के steps, मतलब आप अपने local उनको बचाने के लिए, protection देने के लिए आप ऐसी चीज़ें कर रहे हो कि दूसरी countries इससे affect हो रही हैं, तो ये होते हैं protectionism। जब आप ये चीज़ trade में करते हो, मतलब कि import export में करने लगते हो, तो वो कहलाता है trade protectionism। तो ये आपको याद रखना, this is the thing which you should remember, okay?
सेबी मिल्स नॉर्म्स टू रिवॉर्ड विसल ब्लोअर्स। अब बेसिकली विसल ब्लोअर कौन होता है? विसल ब्लोअर वो होता है जो आपकी कंपनी में या जहाँ पे भी आप काम कर रहे हैं, अगर आपको आप कुछ गलत होता दिख रहा है आपको, तो आप उस चीज़ को नोटिस करिए और उसको प्रॉपर अथॉरिटीज़ के पास जाके बताइए, है ना, उसको डिस्क्लोज करिए, चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर के आगे जाके डिस्क्लोज कीजिए। ये सारी चीज़ें होती हैं विसल ब्लोअर का काम होता है। जैसे कि इसमें दो टर्म है यहाँ पे, विसल ब्लोअर मैंने आपको बता दिया। एक है इनसाइडर ट्रेडिंग, जो बड़ी बड़ी फर्म्स होती हैं वहाँ पे सबसे बड़ा जो नुकसान होता है वो है इनसाइडर ट्रेडिंग का। इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है कि सपोज़ आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, अब आपको वहाँ के अंदर की पूरी डिटेल्स पता है, सपोज़ आपको पूरे प्राइजेस पता है, टेंडर्स के प्राइजेस पता है, तो आप क्या करो, अगर आपको वो इन्फॉर्मेशन पता है तो आप अपने बेनिफिट के लिए उस इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके उसको किसी ऐसे आदमी को दे दो जिसको उसका नॉलेज नहीं होना चाहिए था। तो ये कहलाती है इनसाइडर ट्रेडिंग, मतलब आपने अपने कंपनी की इंटरनल इन्फॉर्मेशन का यूज़ किया, जहाँ पे भी आप काम कर रहे थे आपने वहाँ की पर्सनल इन्फॉर्मेशन का यूज़ किया और उसको अपने बेनिफिट के लिए या अपने पहचान में किसी व्यक्ति के बेनिफिट के लिए आपने वो इन्फॉर्मेशन किसी ऐसे व्यक्ति के सामने डिस्क्लोज कर दी जिसको उस इन्फॉर्मेशन के बारे में पता नहीं होना चाहिए था। तो ये कहलाती है इनसाइडर ट्रेडिंग, मतलब आपने उस इन्फॉर्मेशन का ट्रेड किया और उसको अपने बेनिफिट के लिए यूज़ कर लिया। तो दिस इज द थिंग विच इज नॉन एज इनसाइडर ट्रेडिंग। और सेबी ने कहा है कि हम विसल ब्लोअर्स को प्रोटेक्ट करेंगे, उनको जो विक्टिम बन चुके हैं ऑफ टर्मिनेशन एंड ऑल, तो हम उनको वापस लाएंगे और उनको ज़रूर और बढ़ावा देंगे कि ऐसी हरकतें ज़रूर करो और आगे बढ़ो। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने बोला है कि बिग डेटा एनालिटिक्स का यूज़ करना चाहिए फॉर फाइंडिंग द गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक्स। अगर आपको कंट्री के स्टैटिस्टिक्स पता करने हैं, चाहे वो जॉब से रिलेटेड हो चाहे किसी चीज़ से रिलेटेड हो, तो आपको बिग डेटा एनालिटिक्स का यूज़ करना है। बिग डेटा एनालिटिक्स मतलब बहुत सारी इन्फॉर्मेशन रहेगी जो फॉर्म में रहेगी और उससे कंस्ट्रक्टिव इन्फॉर्मेशन को बाहर निकालना, ये कहलाता है बिग डेटा एनालिटिक्स। तो इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने सजेस्ट ये किया है कि एक नेशनल डेटा वेयर हाउस बनाना चाहिए, आपको नेशनल डेटा वेयर हाउस बनाना चाहिए जो कि यूज़ करेगा इस तरीके से बिग डेटा एनालिटिक्स को। तो नेशनल डेटा वेयर हाउस NDW, ये आपको दिमाग में रखना है कि ये सजेशन दिया है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने नेशनल डेटा वेयर हाउस बनाने का, ताकि जो बिग डेटा एनालिटिक्स है उसका यूज़ किया जा सके और क्वालिटी ऑफ डेटा, जो क्वालिटी ऑफ स्टैटिस्टिक्स मिल रहा है उसको इम्प्रूव किया जा सके, उसको और ज़्यादा बढ़ाया जा सके। यहाँ पे एक नाम आपको दिख रहा होगा, नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन। तो नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन बना था, बता देता हूँ आपको, 2006 में बना था, एक्चुअली 2006 बना था और ये रेजोल्यूशन के थ्रू बना था, इट वाज फॉर्म्ड थ्रू अ रेजोल्यूशन। वो रेजोल्यूशन आया था 2005 में, 2005 में रेजोल्यूशन आया था, 2006 में ये नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन बना था, तो ये याद रखेगा। अभी एक और चीज़ आपको बता देता हूँ कि NSSO और CSO, ये दोनों आपको पता है, ये नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है, ये सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन है, इन दोनों को मर्ज कर दिया गया है, इन दोनों को मर्जर की बात कर दी है और इनको मर्ज करके बनाया जाएगा नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, एक नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस बनाया जाएगा इन दोनों को मर्ज करके। तो NSSO और CSO को, दोनों को मर्ज कर दिया जाएगा और नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस बनाया जाएगा। तो ये भी आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ मैं, या आप देखो लिखा भी हुआ है, रिसेंट स्टेप ऑफ मर्जर ऑफ CSO एंड NSSO। तो CSO और NSSO का मर्जर होगा और क्या बनेगा, बनेगा नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ये बनाया जाएगा, जिसको लीड कौन करेगा, जिसको सेक्रेटरी लीड करेगा, जो सेक्रेटरी होता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन का, वो इसको लीड करेगा, वो ही हेड करेगा नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस को। तो ये काफ़ी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी इसके रिगार्डिंग, आई होप यू गॉट क्लैरिटी ऑन द टॉपिक एज वेल। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज आइटम। यहाँ पर इंडिया की बात की गई, युवराज सिंह ने रिटायरमेंट ले लिया है एंड हिज इनिंग जहाँ पे उसने 6 छक्के मारे थे स्टुअर्ट ब्रॉड को, दैट विल बी द हाईलाइट ऑफ हिज कैरियर। काफ़ी इंपॉर्टेंट इनिंग थी, काफ़ी अच्छी इनिंग थी और ये ट्वीट दिखाना ज़रूरी है आपको, इसीलिए इन्जॉय द रिटायरमेंट लेजेंड स्टुअर्ट ब्रॉड। स्टुअर्ट ब्रॉड अगर आपको पता है तो मतलब आप सही जा रहे हैं, है ना। अगर नहीं पता कि मैंने ये ट्वीट क्यों दिखाया तो फिर आप गलत जा रहे हैं। सो That is it from this part, this edition, यहाँ से इतना ही है। अब एक क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछा था उसके रिगार्डिंग मैं आपको बता देता हूँ, म्यांमार वाला क्वेश्चन मैंने जो पूछा था उसके लिए मैं आपको यहाँ पे मैप दिखा देता हूँ कि आपको पता रहेगा कि म्यांमार का बॉर्डर किससे नहीं है, उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं अपन। देखो ये पोर्शन जो है ये म्यांमार है, यहाँ जो ग्रीन दिख रहा है, अब आपको दिख रहा हो कि लाओस डायरेक्टली अटैच्ड है, देखो ये लाओस यहाँ से डायरेक्टली अटैच्ड है, थाईलैंड यहाँ पर डायरेक्टली अटैच्ड है, इंडिया यहाँ पर डायरेक्टली अटैच्ड है, तो तीन ऑप्शन तो आपको दिखा दिए मैंने, यहाँ पे चाइना भी डायरेक्टली अटैच्ड है, अगर आपसे फ्यूचर में भी कोई पूछे ना, इन फ्यूचर तो याद रखेगा, बांग्लादेश भी देखो यहाँ पे ये डायरेक्टली अटैच्ड है,
तो आपको सारे मैंने दिखा दिए यहाँ के, इंडिया अटैच्ड है, चाइना अटैच्ड है जुड़ा हुआ, यहाँ पे थाईलैंड जुड़ा हुआ, यहाँ लाओस जुड़ा हुआ दिख रहा है आपको, यहाँ बांग्लादेश जुड़ा हुआ दिख रहा है, वियतनाम देख लो ये अलग हो जाता है, वियतनाम देखो यहाँ से अलग हो जाता है, वियतनाम ये देखो अलग है ना, तो वियतनाम इसका मतलब कि नहीं है, तो जो उसका आंसर रहेगा वो वियतनाम हो जाएगा, कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शेयर अ बॉर्डर विद म्यांमार, तो उसका आंसर रहेगा वियतनाम। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी ऑन दिस ऑल्सो, दैट इज इट फॉर द डे, आई होप यू लाइक आवर वीडियो, प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब, कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।